1 दिसंबर को सैम बहादुर आ रही है, आप देखोगे? आप एक्साइटेड हो? बिल्कुल देखना चाहूंगा 100%। तो यू नो प्ले रोल ऑफ सैम सर आसान काम नहीं है, इट्स रियली डिफिकल्ट थिंग। व्हाई यार? ही वाज एन आइकन, यू नो, वो ब्रीड बननी बंद होगी, वो पेडिग्री नहीं है अभी आज की तारीख में। हाँ, आप सोचो ना कि ऐसे में फिर दोबारा पैदा होंगे लोग, बहुत मुश्किल है यार। यू नीड टू रीड, है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सम अप हिज लाइफ, यू नो, इन कपल ऑफ स्टेटमेंट्स, बट इफ यू हैड टू, बिकॉज़ आई एम, हाँ यार, बोसन है ना, बोसन रहे ना, उनकी जो पहली एशिया लिखी गई थी उसमें लिखा था कि दिस सम ब्रिटिश ऑफिसर हैड रिटन, ही हैड रिटन, है ना, एशिया में लिखा जाता है, आपकी पेन पिक्चर लिखी जाती है एंड इसमें इतनी जगह होती है, यू राइट, है ना, उसमें लिखी जाती है 20-25 लाइन। He had only one sentence, कि this gentleman might become officer someday. That was his first report. ठीक है? And he was, his sense of humor was amazing. है ना? He was absolutely straightforward. You should not be, है ना, yes man always. है ना? He said, कि what are the difference between field marshal and army chief? Army chief? What are the difference between field marshal and कुछ एक और पूछिए रहा? He said, there is a very thin line between being a field marshal or the chief of army staff and being sacked. Huh. One yes or no can make a difference, you know. Right. And he had gone against so many odds. So, तब मैंने बोला था बहुत शिद्दत का काम है सर का, है ना, role play करना। मैं तब देखूंगा जब मैं convinced हूँ। अभी movie का trailer आया, मैंने देखा इसके अंदर। And मैं generally कभी करता नहीं हूँ, but मैंने उसमें Instagram पे उसको किया compliment Vicky को। मैंने कहा, I'm really so happy, you know, you played this role, you know. जान लगाई लड़के ने यार। What gives me happiness, उन्हें बहुत मेहनत करी है ना, to learn every small detail. I've read how it gone about it. अच्छा, ठीक है, because see यार ऐसा होता है, यूनिफॉर्म में कई बार बोलता हूँ ना, मूवीज में बहुत लोग पहन लेते हैं यूनिफॉर्म, बट दे डोंट कैरी इट विद दैट डिग्निटी। यूनिफॉर्म पहनी है तो लगना चाहिए कि बंदे ने भी काम किया अपना। ठीक, बॉर्डर मूवी में जैसे ना सनी देओल ने पहनी है यार, उसने जान डाली उस रोल में, है ना, यू फील प्राउड। यस, कोई ऐसा काम कर दे ना कि मेरे को डिसग्रंटल फीलिंग आ जाए, क्या यार ये कहानियां सुनाते थे, और आई थिंक मैं शायद अपनी पूरी लाइफ में ना सोते जागते जो सबसे मेरी फेवरेट मेमोरी है पूरी लाइफ की, वो ये थी, मैं 5 साल का हूँ, पापा मेरे को सोने से पहले कहानी सुनाते थे। तब मेरे को याद है मेरे पापा ने मेरे को बताया था फील्ड मार्शल सैम मैनेकशॉ। 5-7 साल का रहूंगा, मैंने बोला फील्ड मार्शल का क्या मतलब होता है? मेरे को लगता है बहुत लोगों को नहीं पता फील्ड मार्शल का क्या मतलब होता है। और उस हाँ, सॉरी बात करेगा मुझसे सामने देख के बात करेगा, ठीक है सर, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं डर गया, इसको एडिट भी नहीं करेगा, दिस मस्ट कम, मैंने बोला नजर सामने, बिल्कुल। सो सर, मेरे को पहली बार जब पता लगा फील्ड मार्शल होता क्या है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट क्या होता है, मेरे लिए, सॉरी, मेरे लिए इट वॉज अ मोमेंट ऑफ लाइक, आई वॉज लाइक, मेरे को भी जानना है ये, दिस इज लेजेंडरी स्टफ फॉर यू टू मैनेज द इंटायर आर्म्ड फोर्सेज, वेदर दैट बी द नेवी, द आर्मी और द एयरफोर्स। आदमी खुद को मैनेज नहीं कर पा रहा, आदमी खुद को मैनेज नहीं कर पाते, एक एंड पे आदमी ये नहीं सोच पाते मैं सुबह उठूंगा कितने बजे, एंड हियर इज अ मैन हु टुक चार्ज ऑफ एवरीथिंग सिक्योरिटी इन इंडिया। हैव यू वर्क्ड विद हिम? आई डोंट थिंक यू माइट हैव ओवरलैप, राइट? वी आवर यूनिट वाज डिप्लॉयड इन अपना देहरादून, वी आर हैविंग इट इन आवर एंड आईएमए में पासिंग आउट परेड थी, where he was the guest of honor. वहाँ पे गार्ड हमारी थी, there was one interaction only with sir. I feel blessed. But यार, you know, ऐसे लोग है ना, मतलब अपने आप में एक लाइफ है, मतलब आप एक मोटिवेशन की बात करते हो, his way of functioning, commander वैसा होना चाहिए, commander है ना, who is empathetic, but जहाँ जरूरत है ना, he should be bold enough to ना break anybody's nose ना for your own men. Right. To go to any extent as a commander है ना, to ना get the best out of your men. एक CO था, commanding officer. He went to his unit, war time ke andar. He went to that unit and he was absolutely not happy. And he found the unit is not adequately prepared for the war. ठीक है? उसको लगा कि decision capability, सर को लगा कि उस CO की decision capability कमजोर है, interest कम है, काम वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए. ठीक है? And वो डरा एक चीज को लेकर. तो what he had done, he had sent अपना box of bangles to him with a note. ठीक है? अगर कमांडिंग ऑफिसर होकर काम करने का तरीका है तो आई थिंक है ना, यू नीड दिस, और चूड़ियों का एक बॉक्स भेजा था उनके फील्ड मार्शल ने. यस, नाउ व्हेन ही वाज कमांडर आई थिंक दैट टाइम, और ही वाज चीफ आर्मी सब कुछ तो, राइट, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डिटेल, बट दिस हैपेंड. हां, नाउ थिंग्स लाइक दिस व्हिच हैपेंस ना, इट हिट्स यू वेरी हार्ड. जो उस आदमी ने सीओ बनने तक नहीं सीखा था ना, वो एक छोटे नोट ने और वो चूड़ी के बॉक्स ने सिखा दिया. इट टुक ए सॉलिड यू टर्न, स्लॉग लाइक एनीथिंग.
and had put up the best foot forward. Tremendous changes and everything up to the mark. Tiki tiki bo. Ho gaya? Then uske baad mein, then again he wrote a note to him. And he said, that I've gone through this, impressed. You no longer require that boxes. You can return it to me. Wow. Huh? Wow, solid. हाँ ऐसे सिखाना चाहिए आदमी. आई बिलीव इन दिस फिलोसफी. मैं भी कहता हूँ आई हिट वेरी हार्ड. मैं बनना चाहता है तो बड़ी लाइफ में ये औका तुम्हारी बड़ी ये नहीं है. मैं किस चीज़ का घमंड लेके घूम रहे हैं. एटीट्यूड किस चीज़ का है भाई. सारा खड़ा होना तुम्हें नहीं आता. बात तुम नहीं कर सकते. आंख में आंख डाल के तुम बोल नहीं सकते. यू से ब्लडी वांट टू बिकम दिस. किस चीज़ का घमंड है तेरे को. मैं इधर आना कॉर से पकड़ के घसीट देता. मैं टेल ऑल दिस बॉयज एंड गर्ल्स व्हाट यू वांट टू डू. कैसे करेगा. कांपता है साला बोलते समय. नजर हमेशा नीचे रहती है. या तो तू छोड़ दे एक ख्वाब देखना. ठीक है और करना है ना. तो जितना बता रहा हूँ ना करके दिखा रही हूँ. गाड़ दूंगा ये. एंड ओवर नाइट पीपल शो मी गजब की परफॉर्मेंस. कि सर मर जाऊंगा लेकिन करके दिखाऊंगा आपको. आई मेक यू प्राउड माय गॉड. आई एम ऑलरेडी प्राउड ऑफ यू. काम करने का तरीका ठीक करो सिर्फ. सो दिस मूवी यस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. यू नो देयर इज अ वेरी फेमस क्लिप सर सैम मानेकशॉ जी की वेयर ही इज टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर गांधी आस्क्ड हिम टू जॉइन द वॉर इन बांग्लादेश. आपने देखी वो क्लिप. I've seen. Right. Where he's first like, time when he was asked and he refused. Yeah, he said, if you want me to lose, like, aap mereko batao, resignation mein de deta hun. War should be fought only to win, not to lose. ठीक है? अब भाई गेम में जाते हो, बॉक्सिंग के अंदर हवा हारने जाते हो? नहीं. बॉक्सिंग छोड़ दो, फुटबॉल में जाते हो, आप जीतने उतरते हो हारने के लिए? जीतने. तो यार आइडिया बड़ा क्लियर है, तो पता होना चाहिए. यू आर आस्किंग ए रॉन्ग क्वेश्चन टू राइट गाय. द आंसर वाज करेक्ट. राइट. या वेदर कंडीशंस है उस समय ना तो हमारे पास कम्युनिकेशन लाइन थी. है ना. लाइन ऑफ कम्युनिकेशन मींस नॉट नेटवर्क. आई एम टॉकिंग अबाउट रोड. रोड ही नहीं थी उस इलाके के अंदर. एक छोटा सा लेकर के चिकन कॉरिडोर था. आपकी यूनिट्स की वेपन स्टेट है ना उतनी मजबूत नहीं थी. ऊपर से ना बारिश आने वाली थी. पूरी रिवर इन नॉर्थ ईस्ट ना वुड हैव बीन सॉलिड फ्लडेड. तीस्ता विंटर के हिसाब से यू आर नॉट एक्लिमेटाइज. ठीक है. आपके पास में देन इक्विपमेंट वैसा नहीं था. क्लोथिंग वैसी नहीं थी. आपकी री इन्फोर्समेंट रिजर्व नहीं थे. आपके नेटवर्क कम्युनिकेशन लाइन बड़ी पुअर थी. ठीक है. आपकी ट्रेनिंग उस हिसाब से नहीं थी. All of a sudden, just and because somebody is, you know, whims and fancies, लड़ाई कर दे. मजाक थोड़ी चल रहा है. बिल्कुल. तो he took a very bold stance. He said, कि if you want me to lose, then yes. Otherwise, you know, we don't fight battle to lose battle. I want to win it. Right. So उसके time लिया उन्होंने and उसमें बहुत सारे काम थे. 6 months, sir. 6 months में he was back into action. He was prepared. He did everything possible. Adam, operation, logistics, training, जो जो करना था, everything. हर तरह का काम किया गया. ठीक है. एंड देन उसके बाद नहीं सेट किया. अभी एक तरफ नहीं है, हम तीन तरफ से रगड़ देंगे. आर्मी एयरफोर्स नेवी और तीन तरफ से हमला होगा. अभी देखते क्या होने वाला है. पता लगा उससे पहले तो सीटी बज के अंदर सर की ओके नॉकआउट. 15 दिन सर. 13 डेज वॉर. डोंट रिमेंबर. नॉट इवन 13 डेज. या 11 13 डेज ऐसे कुछ था. और द एंटायर आर्मी सरेंडर्ड पाकिस्तान की. सो वी हैव सर ऐसे आइकॉन्स हो मतलब मजा आ जाए देखने में मूवी. यार पता बट पीपल शुड लर्न लेसन है ना. बट एक चीज जरूर बोलूंगा यू नो. कहने के लिए बड़ा ठीक है बट है ना बहुत चीजें ऐसी हैं. What pinches me on the personal front, I was serving that time. When sir passed away, food for thought. कितने लोग थे उनकी cremation पे वहाँ पे? कितने लोग थे सर? 100 लोग? नहीं, I'm not talking about the numbers. In the hierarchy, जो लोग होने चाहिए. Right, 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 right. If I'm not wrong, my information is wrong, not wrong, then no one was there that time. No one from the hierarchy. Army Air Force Navy से कौन था? Defense Minister था कि नहीं था? Some important है ना मेंबर लोकसभा राज्यसभा. आप पद्मश्री दे देते हो कभी किसी को कुछ और दे देते हो. यू नो सेरेमनी करना ठीक है. इज्जत देनी है. ठीक है. देन इट शुड बी गिवन यू नो डिसेंट लास्ट राइट. फैमिली तो करती है अपनी तरफ से. आज हम मूवी बना रहे हैं उनके बारे में. ठीक है. दुनिया भर के लोग रील शेयर कर रहे हैं. व्हाट अबाउट दिस एपिसोड. मैं तो कहता हूँ मूवी पे ये भी हाईलाइट करना चाहिए. एक बार गलती होगी दोबारा नहीं होनी चाहिए. जब हमारे ऐसे कोई शख्सियत है they should deserve respect what they had earned. Well, for sure, him, sir. Guest of honor ke taur pe aap bulayenge, aap unko speech dilayenge, and you end up there. No. Life is beyond this. Yes. Ek baar maine ek post share ki thi bahut pehle, aur bhi kisi jagah aapko milegi social media pe. Brief conversation of a photographer, General Sam, Field Marshal Sam, he was on hospital on a bed. And alongside sitting is Sir Abdul Kalam. और वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं. He said, कि फ्रेंड कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू. एंड he said, सर माय पेंशन इज नॉट कमिंग एंड देर आर सम अरियर्स आल्सो ड्यू इफ यू कैन लुक इनटू द मैटर. He said, श्योर. प्रेसिडेंट गोज बैक
First thing he says, on what scale I want this thing to be sorted out. Within no time, है ना, दो तीन दिन के अंदर पूरे उनके पेंशन एंड उनके अरियर्स उनके अकाउंट में क्रेडिट किए गए. द मोमेंट ही रिसीव दैट अमाउंट ही साइंड ए चेक टू आर्मी रिलीफ फंड बैक. दिस इज जनरल मानेकशॉ साइंड दिस फॉर द रिलीफ फंड ऑफ व्हाटएवर वाज लेफ्ट बियॉन्ड द अरियर्स. नहीं, व्हाटएवर वाज हिज पेंशन अरियर, जो भी अमाउंट का ड्यू था, उन्होंने बोला कि मुझे ये नहीं मिला. प्रेसिडेंट ने बोला कि मैं अभी जाके कराता हूँ. ठीक है, उन्होंने करा दिया. जैसे आ गया उन्होंने वापस जहां से आया था वहीं भेज दिया कि ये फौज के वेलफेयर के लिए यूज किया गया है. वी हैड सच टू काइंड ग्रेट पीपल इन लाइफ, राइट, बट दिस वाज वेरी सैड अनफॉर्चुनेट मोमेंट फॉर मी. मुझे याद नहीं आता उस समय, है ना, एनीवन फ्रॉम द हायरार्की बोलते हैं. वर यू देयर? नो, आई वाज आल्सो नॉट देयर. आई वाज सर्विंग, आई डोंट नो वेयर आई वाज पोस्टेड, बट दैट मच आई एम श्योर. मेरे फैक्ट्स गलत नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि कोई था वहां पे टू रिप्रेजेंट एनी ऑफ दिस थिंग. लड़ाई सबने साथ में लड़ी है. कहने का मतलब यही है यार कि टेल द टाइम समबडी, है ना, सामने कोई होता है सारे सलूट मार देते हैं. ठीक है, बिहाइंड द स्क्रीन क्या हो रहा है, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दैट. राइट, पर्दे पे तो आप अच्छा बनके दिखा दोगे, मैं भी बड़ी अच्छी बात बोल दूंगा. बिहाइंड द सीन, है ना, हाउ वी आर. और आई फियर कि जो मूवी भी होगी ना उसमें भी द नेगेटिव साइड ऑफ लाइक ये सब सिचुएशन नहीं, हम नहीं, उनकी कोई नेगेटिव साइड नहीं थी, नहीं उनकी, बट द रियलिटीज, है ना, हां, शुड आल्सो बी शोन. उनके सर कोई लेजेंड्स थे ये? यार अभी मैं क्या बताऊं, उनके तो कोई वर्ड भी नहीं है टू एक्सप्रेस, बिकॉज़ मेरे फादर ने बताया था सबसे पहले मुझे उनके बारे में. अच्छा, ही सेड कि बेटा जब वो आए थे तो हमने सुना था उन्होंने ये चीज बोली थी, ऐसा बोला था मैं, ओके. फिर किताब पढ़ी मैंने उनके बारे में. फिर उसके बाद में हमारे पार्ट बी प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं, पार्ट बी पार्ट डी, तो उसमें पढ़ना पड़ता है, यू नो, रीड इज ऑटोबायोग्राफी. वेरी इंटरेस्टिंग, वाओ यार सर ऐसे थे. अच्छा, ये चीज़ भी सर ने शुरू कराई थी, ये भी सर ने शुरू कराई थी. एंड आई विश वी हैड मोर लाइक हिम. आई थिंक इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए, बिकॉज उससे पहले तक वी वर प्रोबेबली नॉट एज केपेबल. यस, सी यू डोंट रिमेंबर एनी एवरीवन. हाँ हाँ, अलग होता है उसी को आप याद करते हो. बिल्कुल 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 सर, वाज डिफरेंट. आप भी अलग हो सर, आपको बोला किसी ने? मैं ठीक हूँ यार, जैसा हूँ छोटा मोटा ना, I'm okay. मतलब I'm being myself. मैं जैसा हूँ, खुश हूँ अपने आप में. But I honestly should say this on behalf of जितने भी लोग आपको देखते हैं, चाहे आप किसी podcast पे हो, चाहे आप solo हो, शायद मैं उनको represent करता हूँ, कर पाऊँ ये बात बोलते हुए. बहुत टाइप के मोटिवेशन होती है सर, दुनिया भर की मोटिवेशन बिकती है कमोडिटाइज्ड, इतनी इतनी थैलियों में 500-500 रुपए की. आपकी प्रेजेंस एक नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन है, और ये सिर्फ मैं अपने हिसाब से नहीं कह रहा, अंश मुस्कुरा देगा इस बात पे, जितने लोग अभी यहाँ बैठे हुए थे ना सर, वो सिर्फ इसीलिए आते हैं क्योंकि आपका एक चार्म है बहुत अलग सा. और मेरे को नहीं पता ये आपको कब रियलाइज हुआ, बट दिस इज अ सुपर पावर एंड आई थिंक वी नीड मोर ऑफ दैट इन जनरल सर. कोशिश करना सी मोटिवेशन, मैं वही बोल दूँ, देख मेरी कोशिश होती है व्हेन इट कम्स टू मोटिवेशन, उसमें खुद बंदा इन्वॉल्व होना चाहिए सामने वाला. मैं आपको हमेशा बताता हूँ, व्हाई यू शुड बी डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स, इवन ऑन मी फॉर दैट मैटर, डोंट कम टू मी, राइट. खुद इन्वॉल्व हो जाओ. व्हेन इट कम्स टू सेल्फ मोटिवेशन, दैट इज द बेस्ट लेवल वन कैन अचीव, राइट. मेरे को सर भरोसा ही आता है यार कि कोई बोलता ना बड़े फेमस हो गए, मुझे तो कोई ख्वाहिश नहीं थी फेमस होने की, अभी भी नहीं है. बट हाँ, कुछ लोग प्यार से ना भीड़ में पहचान लेते हैं, नाम बोल देते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो किसी ने नाम लेके बुलाया. और थोड़ा सा वो भरोसा दिखाता है ना सर, आपको सुनना अच्छा लगता है, आपको देखना अच्छा लगता है, आपकी बात सुनना पढ़ना अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है ठीक है, अगर इफ इट इज मेकिंग छोटा सा स्लाइटेस्ट डिफरेंस इन समबडीज लाइफ, व्हाई नॉट. और वो अपने आप में एक गिफ्ट है, वो अपने आप में एक प्राइज है. अच्छा लगता है यार, मैं पढ़ता हूँ मैसेजेस ना जब लोग लिखते हैं उसमें कोई भी. हाँ, एंड द बेस्ट मैसेज दिस इज व्हाट आई लव यू मां, दैट इज वेरी हार्ट मेल्टिंग. मैंने अभी जब मम्मी से बात करी ना, अभी, क्योंकि आपने अभी ऊपर मेरे को इतना वो बताया उस बारे, मैंने सबसे पहले मम्मी को लिखा थैंक यू लव यू. मैं लिखा है, और एक बार मैंने, मेरे को याद है मेरी स्ट्रीम पे बच्चों को फादर्स डे पे सबको मैसेज करवाया, 500-600 बच्चे बैठे थे, मैं बोला अभी मैसेज करो अपने पापा को आई लव यू, कब बोलते हो वरना. और मैंने भी किया अपने पापा को मैसेज, मेरे पापा का वहां सामने से आया ये वाला इमोटिकॉन बस. क्योंकि सर मेरे को लगता है फादर्स जनरली ना एक्सप्रेस करने में वो भी शर्माते हैं, कम करते हैं, है ना, ट्रेन देन. यार ह्यूमन नेचर ऐसा ही है ना, पेरेंट्स जो होता है, देखो कई लोग बोलते हैं कि ना कि मर्द रोता नहीं है, क्यों यार, मर्द को दर्द नहीं होता, मूवी में बड़ा अच्छा डायलॉग, बट होता है दर्द. They don't express, you know. घर के मुखिया हो, तकलीफ होगी तो नहीं बताएंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो नहीं बताएंगे कि बच्चों को परिवार को क्यों बताना है, है ना. और कई लोग कहते हैं, बट मैं तो इनकरेज करता हूँ लड़कों में, इफ यू फील लाइक क्राइंग तो रो देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इट इज सो वेरी ह्यूमन. अगर दिक्कत है आप बात कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, व्हाई नॉट. एंड व्हाट यू जस्ट सेड उसमें भी एक एड ऑन करूंगा, फादर्स डे, मैं उनको बताता हूँ डोंट वेट फॉर फादर्स डे, किसी ने बनाया हुआ है आज फादर्स डे, आज वैलेंटाइंस डे, आज मदर्स डे है. मैं कभी कोई पोस्ट नहीं डालता, एवरी डे इज अ मदर्स डे यार, एवरी डे इज अ फादर डे, व्हाई शुड आई वेट एज पर द कैलेंडर कि एक पर्टिकुलर दिन आएगा तो मैं मार्टियर्स डे बनाऊंगा. एवरी डे आई रिमेंबर देम इन माय प्रेयर्स एंड विश फॉर देयर फैमिलीज.
एवरी डे वी आर लूजिंग समवन, वी रिसेंटली लॉस्ट 5, बट वो ये आदि तो पेट्रोटिज्म खत्म हो जाएगी 24 घंटे में, रिप 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 मैसेज चला जाएगा, कोई रील बना देगा, भाव अच्छा है उनका, बट मैं कह रहा हूँ इट शुड नॉट बी टेम्पररी अफेयर, है ना, एक दिन करने से बात नहीं बनेगी। हम सर इससे पहले बात कर रहे थे अबाउट सोसाइटी कितनी स्ट्रेस्ड है आज की डेट में, मैं वही तो बोल रहा हूँ, इसके बारे में बात नहीं करते लोग। हाँ सर नहीं करते, और स्ट्रेस ना सर ये भी नहीं बात करते लोग कि उसका फिजिकल इम्पैक्ट कितना है। जैसे आप एक बात बता रहे थे, एक लड़का था उसके कंधे झुक गए थे, है ना, आदमी के कंधे झुक जाते हैं सर, वो आंख में देख के बात नहीं करता, कॉन्फिडेंस चला जाता है, कॉन्फिडेंस चला जाता है। और सर एक बार एक आदमी का कॉन्फिडेंस चला गया किसी भी सिंगुलर फेलियर, किसी भी टाइप की सैडनेस, किसी बहुत जोर लगता है खड़ा करने, हाँ तो सर ये आप तो मेरे ख्याल से हफ्ते के 3 आदमी खड़े करते हो गए, 3 तो मैं कम कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस में, पूरा बैच खड़ा करता हूँ, 100 आदमी है, 118 आदमी है, पूरे 118 खड़े करता हूँ। 3 चीज तो मैं बताता हूँ, जाने के बाद में भी आवाज गूंजती रहनी चाहिए कान में, सीधा बैठ, आवाज ऊंची, नजर सामने, दिन में 1000 बार बोलता हूँ लोगों को मैं, सीधा देख के बात कर, सामने देख, आवाज ऊंची रख, यार टूटी ऐसे नीचे करके बात कर रहा हूँ मैं, 1 इंच को भी ऊपर करेगा ना तब भी देख के गजब का कॉन्फिडेंस महसूस करता है, नीचे देखने की बजाय ऐसे देख के बात करके, सर आई डोंट नो दिस आंसर बट आई विल फाइंड आउट, सर कैन आई डू इट, व्हाई कैन आई डू इट, सर आई विल डू इट, कोशिश करूंगा सर पूरी, बोल के देख एक पूरी, यार 8-10 बार भी अगर आदमी शिद्दत से ना प्रैक्टिस करे, बोले कि मैं करके दिखाऊंगा करके दिखाऊँ, तो ना लगता है कि यार झूठ को मैं सच बना दूंगा, दैट करंट कम्स फ्रॉम विद इन, खड़ा तो मैं पक्का करता हूँ, ये इसमें तो आज तक फेल नहीं हुआ मैं कभी, ये तो मैं कहता हूँ गूंगा आदमी तो पक्का बुलवा दूंगा सारे से, ठीक है, लंगड़ा आदमी तो पक्का टांग पे खड़ा करके दिखाऊंगा, राइट, कहने की बात नहीं है, बट यार ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो ह्यूमन लीडर आप अचीव नहीं कर सकते, यू जस्ट नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। दर्द से डर लगता है सर, ठीक है यार होना चाहिए, कैपेसिटी बढ़ा लो अपनी बर्दाश्त करने की, कैपेसिटी बढ़ाओ अपनी मेंटल एंड फिजिकल, हाउ प्रैक्टिस फेस इट, राइट, एक एग्जांपल तो मैं अपना ही दे रहा था थोड़ी देर पहले, ठीक है, नी की बोल रहा है सर्जरी करो, यू से डॉक्टर कंसल्ट कर रहा हूँ मैं, यस एवरी डे आई एम कंसल्टिंग ए डॉक्टर, राइट, यू से डू द कर्ल डॉक्टर मैं कर्ल बैरवान, राइट, क्या बताया कर्ल बैरवान ने, ही सेड इग्नोर, राइट, बिकॉज दिस इज व्हाट आई टीच माय स्टूडेंट्स, ठीक है, इग्नोर, चोट है छोटी मोटी दर्द है, मुझे खुद एक्चुअली में नहीं पता लगता, आई कैन बेयर पेन टू ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है, अब हर रोज करता हूँ घुटने की बजाय, घुटना छोड़ो पूरा शरीर लेके बैठ जाएगा, बट अभी आई हैव इंप्रूव्ड अ लॉट इन लास्ट 40 डेज, एंड हर रोज स्टूडेंट चेक करते हैं, ठीक है दवाई तो आप ले नहीं रहोगे, डॉक्टर तो आप बोलते फद्दू है, मैं यस क्या कर रहे हो, मैं इग्नोर कह रहा है सर, बट अभी कैसा है, 10 दिन में दौड़ के दिखाऊँ तुम्हें, मैं एल जी बी ओके रिपोर्ट 10 दिन में पक्का दौड़ के दिखाऊँगा, कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। आपने सर एक बात बोली थी अभी, पेन इज रिलेटिव, पेन इज हाईली रिलेटिव, व्हाट डज दैट मीन सर, इट मीन्स यार अपनी अपनी कैपेसिटी, हर एक इंडिविजुअल का ना इंडिविजुअल थ्रेश होल्ड है, कोई बहुत छोटी बात पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, ठीक है, रो भी देगा, कोई आदमी है ना सुसाइड तक पहुंच जाता है छोटी सी बात पे महसूस करके, तो कोई आदमी ऐसा है जिसको आप कितना ही बोलते रहो वो है ना कुछ नहीं करेगा उसके बारे में, ना तो गिल्ट आएगी ना एहसास होगा, है ना, और करेगा भी कुछ नहीं, और कोई आदमी ऐसा है तकलीफ बहुत होगी बट लोगों से मिलेगा बात में पता नहीं लगेगा इस आदमी को प्रॉब्लम है। मैं हर महीने देखता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स, एक है जिसकी इतनी प्रॉब्लम्स हैं कोई हद नहीं है बट इज़ वेरी पॉजिटिव, शांत रहता है, चुपचाप रहता है, फिर मैं लोगों को बताता हूँ, मैं खड़ा होकर बता सबके सामने तेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, और फिर लोग सुनते हैं, फिर मैं पूछता हूँ तो लोग अपने आप आगे बताते हैं, बोलो सर बहुत प्रॉब्लम थी मुझे लग रहा है मेरी लाइफ में, एवर सिंस आई हर्ड दिस गाय ना, बोलो सर कुछ भी तो प्रॉब्लम नहीं है सर मेरी लाइफ में, प्रॉब्लम तो सब जो लोग लेके घूम रहे हैं ना, आई एम सो ब्लेस्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पर कोई साइज नहीं है ना, एक प्रॉब्लम दिखाई आपको मैंने है ना इतनी सी है, दूसरा आदमी आता है प्रॉब्लम क्या थी इतनी, मैं तीसरी प्रॉब्लम दिखाऊँ ना इतनी बड़ी, ऑटोमेटिकली आपको अपनी प्रॉब्लम बहुत छोटी लगेगी, यार कुछ भी तो नहीं है सर, चोट लग गई, तुम्हारी चोट लगी, तुम्हारे साथ वाले घर में से 3 बंदे चले गए एक्सीडेंट में, यार अपनी प्रॉब्लम बड़ी छोटी लगी, शुक्र है भगवान का जान नहीं गई किसी की, ठीक है सर, फ्रैक्चर हो गया साथ में देखो बंदा पैरालिसिस हो गया, ठीक है, इट इज़ ऑल रिलेटिव थ्योरी, छोटी छोटी बात है ना वो आपके ऊपर है, जो प्रॉब्लम दूसरों को बहुत बड़ी दिखाई देती है मुझे हमेशा बहुत छोटी दिखाई देती है। मेरी अंडरस्टैंडिंग सर आपको मैंने जितना सुना है, 2 बार हमारी बात हो चुकी है और मैंने जितना भी सुना है, आपकी ना लाइफ का जो फंडा है बड़ा क्लियर है कि जीना है तो खुल के जीना है, वरना साले जीना ही नहीं है, वरना तो तुम छोड़ ही दो ना फिर कोई फायदा नहीं है। और नहीं सके, भगवान तो खुद ही कह रहा है भैया आई एम गोइंग टू हेल्प दोज हु हेल्प देम, अपना काम खुद करो पहले, मैंने अपना काम कर दिया, एक लाइफ दे दी तुम्हारे को, दिमाग दे दिया सोचने के लिए, दिल दे दिया, अब तुम मजबूत बनाते हो कमजोर बनाते हो, दैट्स योर बंदोबस्त, है ना, और अपना दिल मजबूत बनाने के लिए और अपना दिमाग मजबूत बनाने के लिए टफ चीजों को खुल के मुस्कुरा के या चीजों को सिंपल रखो, ठीक है, जैसा सामने दिखाई देता है उसको वैसे एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, एक्सेप्टेंस लेवल बड़ा लो है,
सामने दिख रहा है कि यार दिक्कत आएगी अगर पढ़ाई नहीं करूंगा, तो ये भी दिक्कत है, एक साल में खत्म हो जाएगा, परिवार भी संभालना है, फादर भी है ना पेंशन आ जाएंगे, ठीक है, सिस्टर की शादी करनी है, सपोर्ट सिस्टम मजबूत करना पड़ेगा, बट आप वेट करो, पहले एक बार ग्रेजुएशन फिर देख लूंगा, फिर क्या देख लूंगा, आप 6 महीने पहले लड़ाई की तैयारी क्यों नहीं शुरू कर देते हैं? फौज भी हमेशा ऐसे थोड़ी करती है कि जिस दिन लड़ाई होगी सब तैयारी तब कर लेंगे, रूटीन में फौज कहती है फायरिंग की प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए, फिजिकल फिटनेस रखना चाहिए, ठीक है, ऐसी यूनिट है जो देहरादून में बैठी है बट उसका एल्टीट्यूड एरिया ऑपरेशन एरिया की तरह लेह लद्दाख में, तो साल में जब एक्सट्रीम ठंड होती है तो जाते हैं 3 महीने के लिए उठ करके वहाँ पे, 3 महीने जा करके वहाँ पे रहते हैं और एक्सट्रीम वेदर के अंदर ट्रेनिंग करते हैं, वापस आते हैं, क्यों, कल को खड़े हाथ कभी भी बोल दिया एल्टीट्यूड में जाना है तो दे शुड नो कि एरिया कैसा है, ओरिएंटेशन मजबूत है, वहाँ पे हथियार पकड़ने की आदत है, ठंड में रह करके भैया एक्लेमेटाइज हो रखे हो आप, ठीक है, डोंट वेट फॉर द वर्स्ट टू हैपन ना, तैयारी के बंदोबस्त टाइम से शुरू करो अपना। ये सर आप कारगिल वगैरह एरिया की बात कर रहे हो, हाई एल्टीट्यूड एवरीवेयर है, बहुत सारी यूनिट है जो डिप्लॉयड कहीं और है बट उनका ऑपरेशन इलाका जो है लड़ाई के हिसाब से किसी और जगह है, तो साल में जाते हैं 3 महीने के लिए उठ करके, पूरा बंदोबस्त हथियार सामान गाड़ी लेकर के, कुछ नहीं होता, टेंट लगा करके वहाँ पे रहते हैं, दिन रात ट्रेनिंग करते हैं कि कल को अगर बलून गोज अप लड़ाई हो जाए तो ये कहने लायक नहीं रहेंगे कि हम तैयार नहीं थे, तैयार नहीं थे, और साल में एक और रिपोर्ट होती है ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट, लिखता है उसके अंदर कमांडर पूरा जांच करने के बाद में कि यस द यूनिट हैज बीन फाउंड ऑपरेशनली फिट एंड ऑपरेशनल रेडीनेस वाज ऑफ एडिक्वेट लेवल ऑफ दिस यूनिट फॉर वॉर। जब वो बीच में बैठी हो मेरठ के अंदर, ऑपरेशन इलाका अगर कहीं है आपका, चाहे राजस्थान हो चाहे एल्टीट्यूड हो, वहाँ जाओगे तैयारी करोगे फिर वापस आओगे। कौन सी यूनिट है सर ये? 5th बटालियन फर्स्ट गोरखा राइफल्स। फर्स्ट गोरखा राइफल्स। एंड सर गुरखाज जितना मेरे को याद है, जितना मैंने पढ़ा है, आर सपोज टू बी द टफेस्ट। ये सारे टफेस्ट हैं। एवरीवन फौजी सपोज टू बी द टफेस्ट। राइट। यूनिट जहां पे भी आती है, ट्रूप्स जहां पे आती है, कम्युनिटी आती है, आई डोंट डिफरेंशिएट। है ना, जस्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम गुरखाज, और मैं बोलूं कि गुरखाज से अच्छा कोई नहीं, गलत बात है। अच्छा, सारे ट्रूप्स अच्छे हैं यार, गोरखा हो, जाट हो, मैकेनाइज हो, आर्मर्ड हो, एएससी हो, कितने प्लेटफॉर्म से मैंने बताया है ना, हम लोग हर जगह क्या जाते हैं, स्पेसिफिक रेजिमेंट की बात कर देते हैं कभी कभार। हर यूनिट का अपना काम अलग है, इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है, अपनी काबिलियत है, उसके मुताबिक वो जाता है, रेजिमेंट अलॉट होती है, एसी है, ऑर्डिनेंस है, इंजीनियर्स है, सिग्नल से, कौन बात कर रहे हैं इनके बारे में, है ना, एएमसी कोई बात नहीं कर रहा, एएमसी का डॉक्टर है लेकिन अगर वो इन्फेंट्री यूनिट के साथ में अटैचमेंट में है तो वो भी बैठा है सियाचिन में यार, ठीक है, उसकी भी रेजिमेंटेशन उतनी स्ट्रांग है, वो भी वही सेम देख रहा है वेदर कंडीशन सारी चीजें, एसी है, लड़ाई हो चाहे वो 71 की लड़ाई हो, जो भी हो, एक जगह से दूसरी जगह फौज भी अब कुछ अपना खाना खा के जाती है, कुछ लेकर के जाती है कि भैया जाने के समय लंच खाया हुआ होगा, रात का खाना पैक होगा, अगले 72 घंटे का ड्राई राशन साथ में कैरी करेंगे, उसके बाद में भी ये रिजर्व वो रिजर्व फौज का अपना तरीका है, बेस्ड ऑन योर असेसमेंट की भी लड़ाई जब होती है, लड़ाई में जो माहौल बनता है तो कितने टाइम तक कौन सी यूनिट किस इलाके के अंदर सस्टेन कर पाएगी बेस्ड ऑन देयर रिजर्व्स एंड द स्टफ दे आर कैरिंग विद देम, ठीक है, और इतने दिन के बाद में भैया फौज को रीसप्लाई और रीइंफोर्समेंट चाहिए चाहिए होगी 100%। नाउ व्हाट हैपेंस, पता होता है फौज को कि इतने दिन आंख बंद करके लड़ाई करो, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, फौज की एसओपी है, जो कुछ होगा ग्राउंड पे होगा आप खुद करेंगे, पीछे से कोई मदद नहीं आएगी, ना मैन पावर की, ना हथियार की, ना एमिनेशन की, ना राशन की, सब कुछ आपका बंदोबस्त है, आप उसकी अकाउंटिंग कैसे रखते हो, हिसाब किताब कैसे रखते हो, कितना खर्च करते हो, बट वो जो लाइन खत्म हो जाती है ना, लाइफ लाइन की, पता है कि भाई कल के बाद में खाने पीने के लिए सामान नहीं है, हथियार कम पड़ेंगे, री इन्फोर्समेंट कम है, और इतना एमिनेशन गोला बारूद कम पड़ेगा, सो व्हाट डू डू, उस समय फिर ये सब काम में आते हैं, ऑर्डिनेंस, एसी, अगर एक ड्राइवर है कितने 100,000 किलोमीटर से पीछे गाड़ी में लेकर के आ रहा है, अगर नए बंदे आ रहे हैं री इन्फोर्समेंट जो आकर के भैया संभालेंगे हथियार, तो उन गाड़ियों में बैठ के आ रहे हैं, राशन उसी में आ रहा है, हथियार गोला बारूद सब कुछ उसमें आ रहा है आपका, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल यार, कि जो आगे फ्रंट लाइन पे है, बट होता क्या यार फ्रंट लाइन में है ना, आप स्टेडियम में भी जाओ तो आगे वाली लाइन दिखाई देती, पीछे वाले दिखते नहीं है, राइट, है ना, राइट, भाई नो फौज कैन वॉक ऑन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट कोई फौज नहीं लड़ सकती, खाना राशन पीस में हो, फील्ड में हो, सियाचिन में, कौन सप्लाई कर रहा है, सप्लाई कोर दे रही है, ठीक है, अब वो खाना जब लेकर के आ रहा है रूटीन में अगर नहीं पहुंचे तो क्या होगा आपका, गाड़ी चलानी है, तेल है, कौन दे रहा है, पीछे यही सब लोग दे रहे हैं, राइट राइट, ठीक है, राइट, इंजीनियर्स हैं, एक आदमी इतनी एक्सट्रीम पोस्ट में बैठा हुआ है बटालिक में, कारगिल में, जहाँ पे मतलब नॉर्मल रूटीन में आदमी सोचेगा 10 बजे जाने में, बट बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस वो तार बार बार टूटती है, ठीक है, वहाँ पे हर जगह ओएफसी नहीं लगी हुई है कि कुछ नहीं होने वाला, दो आदमी है प्लायर और अपना किट लाल के पहाड़ पे चले पड़े हैं, माइनफील्ड भी लगी हुई है, बारिश भी हो रही है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, पानी की बोतल यहाँ टांगी हुई है, जैकेट भारी सी पहनी हुई है, साथ में पिट्ठू भी कैरी कर रहा है और इक्विपमेंट भी, जगह जगह चेक कर रहा है, एक एक उठा उठा करके, एक एक मीटर पे यहाँ टूटा हुआ है,
चेक करेगा, फिर फोन करेगा भाई सिग्नल आ रहा है ठीक है, फिर तीन टेप लगाएगा, फिर चढ़ेगा 100 मीटर, फिर आएगा सब पीछे से कुछ जानवर निकल गए, पत्थर गिर गया टूट गया, फिर पीछे जाएगा। दिन भर रात भर यही करते हैं वो लोग, ठीक है, बट उसको कोई बात नहीं कर रहा। आरआर जैसी यूनिट्स हैं, आरआर के अंदर यार आर्मर्ड का, स्पेशल फोर्सेस का, पैरा का, इन्फेंट्री का, मैकेनाइज्ड का, इंजीनियर्स का, सिग्नल का, हर एक आम का बंदा आता है, जवान भी आता है, जीएसओ साहब भी आते हैं, ऑफिसर भी आते हैं। व्हाट अ वंडरफुल, वेरी क्या है सर आरआरएफसी? आरआर, आरआर यूनिट, अच्छा, राष्ट्रीय राइफल्स। अच्छा, राष्ट्रीय राइफल्स। राष्ट्रीय राइफल इंडियन आर्मी का एक अलग वो है, पूरी इंडियन आर्मी है हर एक रेजिमेंट के, जो सपोर्टिंग आर्म्स के हो, जो फाइटिंग आर्म्स के हो। अच्छा, विद इन एक यूनिट मिल जाएगा, चार अलग तरह के मतलब आपको ऑफिसर मिलेंगे, सिग्नल का भी मिलेगा, आर्मर का भी मिलेगा, इन्फेंट्री का भी और स्पेशल फोर्सेस का भी। और सर आरआर का पर्पस क्या होता है? स्वच्छ अभियान, ठीक है, आरआर का काम है स्वच्छ अभियान, दबा करके सफाई करी जाए, हर कोने के अंदर देश को साफ रखा जाए। अच्छा, अनकंट्रोल्ड वीड जो पनपने की कोशिश कर रही है, जो बाहर से आती है दूसरी तरफ से, उनको साफ किया जाए। हाँ। और बहुत बढ़िया है सफाई के काम में, लोग गजब सफाई करते हैं, बिल्कुल सॉलिड क्लींजिंग, डीप रूटेड कनाल जो होता है ना, वैसा ट्रीटमेंट करती है। इज द पब्लिक अवेयर ऑफ कोई ऐसा आरआर ने कुछ क्लीनिंग करी हो जो हमें पता हो? आरआर यार वो तो फिर वही अगेन मीडिया के उसके ऊपर है। आरआर ऐसा है जो डेली बेसिस पे स्वच्छता अभियान को बहुत तगड़ी से करते हो। स्वच्छता अभियान के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर है राष्ट्रीय राइफल्स, ठीक है, एक आदमी अंदर है क्लीन, दो आए साफ, रूटीन में करते हो काम डेली बेसिस में, बट नॉट मच स्पोकन अबाउट राष्ट्रीय राइफल्स। अच्छा, सबसे बड़ी फौज है आज की तारीख में, दूसरा तीसरा टेन्योर होता है, लोग वॉलंटियर करके जाते हैं, थिक पैक्ड एक्शन, दे डोंट वेट, ऑल सीजन 24/7/365, साल में 365 दिन काम करते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, स्नोफॉल हो, हर जगह काम करते हैं, दिन में काम करते हैं, रात में काम करते हैं। किसी भी टाइप की इन्फिल्ट्रेशन है? बिल्कुल। और सर ये लोग आर्मी यूनिफॉर्म में जाते हैं या सिविलियन, लाइक इज दिस अ मोर स्पाई मिशन या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ओपन में चलते हैं, चौड़ी छाती करके चलते हैं, ठीक है, आओ स्वागत करेंगे, अब आइए, आपका स्वागत करेंगे छाती से। हां बिल्कुल 100% करते हैं स्वागत, ठोक दबा करके, दे आर ऑलवेज ऑन ग्राउंड, चलते फिरते घोस्ट हैं। अच्छा, राष्ट्रीय राइफल इज डूइंग अमेजिंग जॉब। आपने कभी काम किया सर उनके साथ? नहीं है। यू हैव नेवर वर्क्ड विद आरआर? I was never posted in Rashtriya Rifle Unit, but I was posted in 15 Corps Headquarters. वहाँ पे I was in one of the important operation branch, GS branch में, where I used to deal on daily basis with all the sectors and अपना battalions of many units of Rashtriya Rifles. When okay. operation activity to pass important information to them, any warlike stores recovered from them, उसको मंगा करके उसका जो interpretation है, important information to share them with them, and then जो भी operational activities हैं वो पूरी hierarchy में share करना. And along with the, you know, media. तो आप information bypassing कर रहे हो दोनों direction में? Not information, but we were involved अपना, see, we were at the center where, you know, जो ground पे काम कर रहा है, ठीक, soldier, the battalion, the regiment which is working on ground to the highest headquarter, the army headquarter. बीच में जितने channels आते हैं, that was through us. We used to regulate everything, you know, कौन सा operation कहाँ पे कर रहे हैं, the first report will come to us. कि यहाँ पे contact establish हो गया, cordon हो गया, anything they require, okay, we are sending it, we are supporting it. मेरे को ये पूछना है, आपका हीरो कौन रहा है सर आपके करियर में? बिकॉज माय फादर है। अच्छा, योर फादर? डाउट ही नहीं है सर, बचपन से माय फादर, हु कैन बी अ बेटर हीरो फॉर चाइल्ड, है ना, नो फिल्मी हीरो, यू नो, ठीक है कि शर्ट उतारी सिक्स पैक दिखाए, लाइफ इज वेरी डिफरेंट, यू नो, फादर इज आइडियल हीरो फॉर एनी चाइल्ड, माय फादर वाज माय हीरो ऑन डाउट इट टिल डेट, इज माय हीरो। इज योर फादर स्टिल विद अस सर? ठंडे पानी से साढ़े मतलब 6 बजे तक पूरी पूजा करके घर के तमाम काम करके यार, क्या सीखा सर आपने उनसे? क्या नहीं सीखा, सब कुछ उन्हीं से सीखा यार, एवरीथिंग। मेरे को लगता है सर लोग इस लेवल पे उस रिलेशनशिप को इग्नोर कर देते हैं, मेरे को खुद कल फ्लाइट में ये फील हुआ कि यार अब ना ऐसा है प्रखर, तुम यहाँ 3-4-5 साल हो, जितना भी टाइम इंडिया में, अब अपने पिता के ना शागिर्द बन जाओ, लाइक सीक मेंटरशिप फ्रॉम योर फादर, बिकॉज टाइम रन्स लाइक इट इज नोबडीज बिजनेस, राइट? एंड सो आई फील लाइक वैसे भी सबकॉन्शियसली लड़का कितना कुछ सीखता है अपने फादर से, बट एक बार अगर बैठ के सर झुका के पूछ लेना, क्योंकि हम शर्मा शर्मी करते हैं, बात नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं। मैं तो कल भी किसी को एडवाइस की थी, हाँ, व्हाई डोंट यू आस्क योर फादर, मैं आपकी लाइफ में उनसे अच्छा आपको कौन बताएगा, ही नोज यू बेस्ट, आपकी कमियां भी पता है, आपकी स्ट्रेंथ पॉइंट भी पता है, ठीक है, आप कहाँ पे गलती करोगे वो भी एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कर देंगे, आप कैसे अच्छा कर सकते हो वो भी आपको बता देंगे, बेटा हैव यू एवर आस्क्ड योर फादर? नो, एंड रियली यू आर माय पेइंग 10,000 रुपीज टू समवन,
ठीक है, और वो आपको बताएंगे कि भी करना है कंसल्टेंसी सर्विस. बेस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज इज ऑलवेज अवेलेबल अराउंड यू. राइट, दैट इज योर फादर, दैट इज योर मदर, ठीक है, दैट्स योर पीपल होम यू लव, योर लाइफ पार्टनर, इवन योर चिल्ड्रेन. बट प्रॉब्लम क्या है, वो कंसल्टेंसी सर्विसेज ना आपको बिल्कुल रॉ देगी, जो आप हैंडल नहीं करोगे, हैंडल नहीं करना चाहते, ठीक है, आप वो सुनना चाहते हो जो आप है ना सुनना चाहते हो. हाँ, वो कंसल्टेंसी सर्विसेज वाला आपको लिखा, सर मैं आपको ना पूरा सर 1,00,000 व्यूज ला के दूंगा. हाँ, सर आप इतने फॉलोअर्स कर दूंगा. अब ये सब कानों बड़े चल रहे, वाओ रियली यार कितने पैसे लगेंगे, बस बात कन्वर्सेशन इज ओवर. हाँ, अब अगर ये चीज मेरे फादर ने पूछा कि सुन बोलो भाई ये तू बाद में बन जाना, पहले तू अच्छा बंदा बन जा, तू तेरा रूटीन ठीक रख, टाइम पे उठा कर, ठीक है, और थोड़ा खुश रहकर हर चीज में स्ट्रेस मत लिया कर, ये आप सुनना नहीं चाहते हैं. आप उतना कर लो, आप देखो ये फॉलोअर्स वाले तो आपको वैसे मिल जाएंगे. वो तो फिर बाय प्रोडक्ट है यार. आधी चीज तो अगर आप देखते, अच्छा दूसरा फिर आप सुनना तो दूर की बात है, पहले पूछते नहीं, आप कंसल्ट नहीं करते सही जगह, आप बाहर ज्यादा कंसल्ट करते हो. सी, अगर आप जवाब ढूंढ रहे हो, ज्यादातर जो बंदे हैं ना दे लुक आउटवर्ड्स, मैं बोल रहा हूँ प्लीज लुक इनवर्ड्स, अंदर की तरफ देखो, खुद पता लग जाएगा, यू विल गेट आंसर्स अंदर की तरफ. दूसरा, ऑब्जर्वेशन पावर भी बहुत कमजोर है, आंख भी वही देखना चाहती है जो आपकी सहूलियत है, ठीक है. दूसरी चीज, आपको यार की काम करने चाहिए, लेकिन नहीं, आप सिर्फ ये देख रहे हो यार ये बड़ा फेमस हो गया, ये बड़ा मतलब इसने अच्छा कर लिया, बट ये नहीं कोई जानना चाहता कि उसने कैसे किया, कितना जोर लगा, काम करने का तरीका क्या, तो कोई पूछता भी नहीं है. माई फादर वुड से, और मेरे को ना बड़ी खिल मचती थी बचपन में, अलर्ट, ऐसे ना हम कहीं भी होते थे कान में ईयरफोन लगे होते थे, अलर्ट, और मैं कहता था क्या हो गया, मतलब ऐसा कुछ हो थोड़ी रहा है जो अलर्ट होने की जरूरत है. अब सब मैं बड़ा हो गया हूँ ना, मैं गाड़ी चलाता हूँ सड़कों पे, मेरे को मेरे पापा की आवाज़ कान में गूंजती है अलर्ट, क्योंकि दुनिया में सब बेवकूफ़ हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, बाहर सब आंख बंद करके चला रहे हैं. दिल्ली गुड़गांव और इसमें है ना लाइसेंस जिसने यहाँ ले लिया, ही कैन ड्राइव गाड़ी एनीवेयर. मेरी गर्लफ्रेंड आई हुई है सर, वो भी ये कहती है इंडिया में गाड़ी नहीं चलानी और कहीं पे भी, बट सर वो इतनी वैल्यूबल एडवाइस है ना, अलर्ट, ऑब्जर्व, देखो आसपास, आधे आंसर जो आप कह रहे हो अंदर हैं, वो एक बार एक्सेप्ट करके चीज़ को, उसको ध्यान से देख के समझ के, शांति और पेशेंस रख के, अपने आप नजर आने शुरू हो जाते हैं. सामने जो चीज़ें उसको एक्सेप्ट नहीं करते जाता, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट द फैक्ट. प्रॉब्लम है तो है यार, क्या दिक्कत है. किसकी लाइफ में नहीं है. कर लो ना फेस, बैठ के बात कर लो, सॉल्यूशन घर में भी निकल के आएंगे, कुछ दोस्तों से बात कर लो, प्रोफेशनल हेल्प चाहिए चलो ले लो, ठीक है. बात भी किसी से नहीं करनी, अंदर ही अंदर घुटते रहोगे, ठीक है, एक्सप्रेस भी नहीं करना है, ठीक है, फिर गूगल में देखोगे कि ये बताइए कि क्या है. या सर फिर डिप्रेशन और इस टाइप के सिम्टम्स निकल गए, डिप्रेशन करके घंटा कोई चीज़ नहीं आती यार, कोई चीज़ है. हर महीने देखता हूँ मैं जो कहता डिप्रेशन है, फिर पूछता हूँ मैं कितने लोगों को लगता है नमूने को डिप्रेशन है, बोला सर वो खुद ही बोल रहा है, बोला सर घंटा डिप्रेशन है, जब आया था तब मेरे को व्यायाम था कि मुझे डिप्रेशन, सर अब मैं लोगों को डिप्रेशन दे दूंगा, ठीक है, जिसने मेरा दिमाग खराब किया ना, बट डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती. मैं नहीं है ना, बोला नहीं है, एक्चुअल में नहीं होती यार. डिप्रेशन क्यों है यार, किस वजह से है, कोई रीजन रहा होगा ना. डॉक्टर जो भी वो सब आपको बताता है आपको डिप्रेशन है, ठीक है, और इसका इलाज ये है, बट नोबडी आस्क की व्हाई, किस वजह से है. आप डायग्नोस ठीक कर दो ना, आप कारण पता कर लो, फिर कर दो सॉल्व. मेरे को लगता है सर जिनको एक्चुअली डिप्रेशन होता है ना, वो अब मेरी थिंकिंग थोड़ी साइकोलॉजिकल थोड़ी ऐसी है, आई थिंक देर इज अ मिसअलाइनमेंट. आप जो करना चाहते हो, जो आपके सेंटर से निकलता है और जो आप करते हो ना, वो टेढ़े हैं यार. अपनी इंटेंशन और अपनी एफर्ट एक लाइन में रखो, अपना दिल दिमाग जबान नजर एक लाइन में रखो, यू विल गेट द सॉल्यूशन. सोचते कुछ और हो, करना कुछ और चाहते हो, है ना, ग्राउंड पे कुछ और ही दिख रहा है, तो क्या होने वाला, कुछ नहीं होगा, रायदा फैलेगा. क्योंकि सर मुश्किल किसकी जिंदगी नहीं है, और फौजियों की जिंदगी. सियाचिन पे मैं एक बार एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं किससे लड़ाई हुई थी, चाइनीज सोल्जर से हाथापाई हो गई थी, और वो भी गुत गुत मार रहे हमारे सोल्जर उनको पकड़ के. अब सर एक बात बताओ, आदमी के पास वहां पे खाने को ढंग से, राशन की कमी हो सकती है, ठंड इतनी है, दुनिया भर की प्रॉब्लम है, घर से दूर है, घर में प्रॉब्लम हो सकती है, बट हम कभी भी विद इन द फौज एक मैसिव एपिडेमिक ऑफ मेंटल हेल्थ नहीं सुनते. कितनी सरप्राइजिंग बात है, जहां पे एक्चुअली सिचुएशन टफ है, जहां पे आपकी जान की बाजी लगी हुई है कितनी बार, जहां पे आप कितना कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो, लेकिन हम सिविलियन पॉपुलेशंस में और हम कॉलेजेस में और जितने भी इंसुलेटेड सेक्टर्स होते हैं जहां पे आदमी बैठ के सारा दिन कंप्यूटर के सामने काम करता है, वहां हम इस सब के बारे में बहुत सुनते हैं. और मेरे को लगता है आप अपने नेचर से जितना दूर चले जाते हो, जितनी आप कम एक्सरसाइज, जितना आपका खाना खराब हो जाता है, हवा खराब हो जाती है, फोन का इस्तेमाल थोड़ा कम करो, आधी से प्रॉब्लम डिप्रेशन का ना आज की तारीख में ये है. हाँ, इंस्टाग्राम नहीं, नॉट इंस्टाग्राम, बट देखो यार इस्तेमाल करना, सही इस्तेमाल करना आना चाहिए. अरे बता ना, मेरे स्क्रीन दो तीन जगह टूट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग बोले चेंज कर लो, किस लिए करना है, पीछे बच्चों ने वैसे लिख के लिखा हुआ है, ये नॉरिन ने लिखा है कर्नल CPR, ठीक है, ये अंजलि ने लिखा हुआ है लव यू दादा. मैं पीछे ज़्यादा देखता हूँ स्क्रीन में, इधर कम देखता हूँ. अभी नई प्रॉब्लम है इसमें,
ये कहीं गिर गया और गिरने के बाद में इसकी पता नहीं आवाज ही नहीं आती है, मुझे पता नहीं लगता, वाइब्रेशन मोड में भी नहीं, पता नहीं, वो भी हाथ लगा रहा हूँ तो कुछ काम नहीं कर रहा। हाँ, मैंने कहा इसको ऐसे ही रहने देते। बोले सर कुछ नहीं कर रहे। मैंने कहा यार मजा आ रहा है। बोले क्यों? मैंने कहा 90% ऑफ द कॉल आई एम मिसिंग दिस लाइफ में और क्या चाहिए। फिर मैं अपने टाइम से देखता हूँ, जिसकी जरूरत होती है मैसेज डाल देता है, मैसेज पढ़ता हूँ, आई रीच आउट टू द गाय, ठीक है। अदरवाइज हर फोन अटेंड करूँ कोई बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है यार। बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, नीडलेस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ओवरलोडेड विद इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जितनी जरूरत है उतना रखो, राइट। हर एक चीज देख लूंगा, हर एक चीज पढ़ लूंगा, हर एक चीज सुन लूंगा, क्यों सुन लूंगा, मैं सुनना ही नहीं चाहता, ठीक है। लेस इज मोर एक्चुअली। बच्चों के लिए यू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क एन एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ दैट इज अनफाउंड अदरवाइज। आप हर बच्चे को जो लाइफ में आज की डेट में स्ट्रगल कर रहा है, जो लाइफ में कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहा है, उस इंसान को आप क्या बोलना चाहोगे सर? तीन चीज वही कॉमन है, नजर सामने, आवाज ऊंची, ठीक है, एंड जो चीज आ रही है उसको कूद पड़ो यार उसमें ले दे करके, घबराना नहीं है। देखो सो मच ऑफ पोटेंशियल है, उनको भरोसा नहीं है अपने ऊपर, दूसरों पर बहुत ज्यादा है कि सामने से ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर आएगा वो कुछ बताएगा, ठीक है। और कोई कुछ नहीं बताना चाहता आपको, यू नो एवरीबडी इज लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ अपना इंटरेस्ट इन यू, ठीक है, राइट। मैं जितने लोगों को एडमिशन देता हूँ उससे ज्यादा लोगों को एडमिशन कैंसिल करता हूँ, ठीक है, फॉर वेरियस डिफरेंट रीजन। मैं उसको बताता हूँ बेटा आना चाहता है, वो किस लिए आना चाहता है? सिर्फ इसलिए कि बिकॉज ही इज वेरी इंप्रेस्ड विद मी, राइट, ठीक है। मैं आपकी इकोनॉमिकल पोजीशन आपको देती है इजाजत? नहीं देती। आप इतनी दूर आओगे, रहोगे, खाओगे, पियोगे, कुछ पैसे लगेंगे? लगेंगे। आपने एग्जाम क्लियर किया? नहीं किया। और घर में अभी पोजीशन क्या है? घर में दिक्कत चल रही है, आपको अपने पेरेंट्स के हाथ में होना चाहिए उनकी मदद करने के लिए, इमोशनली हाँ सर होना चाहिए। और मैं ऐसे टाइम पे आप बाहर आना चाहते हो, वो ठीक बात है? बोले नो सर, मैं फ्री में कुछ भी नहीं है मेरे पास में, मैं तो उसको स्पॉन्सर भी कर दूंगा, बट जब एग्जाम ही क्लियर नहीं किया तो क्यों आना चाहते मेरे पास? एक टारगेट तो रखो लाइफ में कि भी मेरे को इधर पहुंचना है इस आदमी के पास, तो पहले एग्जाम क्लियर करूंगा, सर ने बोला है तो एग्जाम क्लियर कर दें, यू आर माय रिस्पांसिबिलिटी। सो मैं उनको मना करने के बाद में लेकिन फिर मोटिवेट भी करता हूं, बताता भी हूं, रास्ता भी दिखाता हूं कि यहां तक का रास्ता तय करना है तो कुछ लाइफ में अचीव कर ले, एक सेंस ऑफ पर्पज रहेगा ना तो तेरे को मजा आएगा, और तू एग्जाम क्लियर करके आएगा तो तेरे को भी मजा आएगा पढ़ने में और मुझे भी सिखाने में मजा आएगा। कम्युनिकेशन स्किल आप एक लाइन भी नहीं बोल पा रहे हो और मेरे पास मजबूरी है कि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ना भाषा सिखा सकूं एट दिस एज एंड स्टेज। यस, एक लड़के को लेकर के पकड़ के मैं सब भाषा सिखाऊंगा साल पर, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। भाषा खुद सीख, लिख पढ़ बोल जितना कर सकता कर, और जिस दिन तेरे को लगे कॉन्फिडेंस आ गया भी मेरे पास में तब आ जा, क्यों नहीं तो क्या है, अननेसेसरली आप आओगे सिर्फ पैसा वेस्ट करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, आपके सपने टूट जाएंगे, ठीक है, मेरी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, पेरेंट्स का हार्ड एंड मनी भी बर्बाद हो जाएगा। जब तीनों चीज पता है कि भैया स्टेक पे हैं तो वाई शुड आई वर्क अंडर गिल्ट, तो पहले काम कर, मेहनत कर, फिर आ मेरे पास। और ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोला सर मैं करके दिखाऊंगा और फिर आऊँ आपके पास, करा उन्होंने और फिर आया मेरे पास, फिर उन्होंने रिजल्ट भी निकाल लिया। और मेहनत में अगर टूट जाए, फेल हो जाए तो वो मैं होने नहीं दूंगा, वो आदमी मेहनती है ना उसको तो मैं नहीं टूटने दूंगा, वो तो गारंटी है उस चीज़ की। अगर मेहनती नहीं है तो वो वैसी है। अभी कोई बोल रहा सर मैं मरना चाहता हूँ मैं क्यों वहम का शिकार है? यू आर ऑलरेडी ब्लडी डेड विद दिस काइंड ऑफ फद्दू थॉट प्रोसेस है ना, यू थिंक यू आर लिविंग, यू आर नॉट लिविंग, यू आर ऑलरेडी डेड, टाइम पास कर रहा है तुम, ठीक है। मैं तो ये मत पूछ मुझसे, तो मुझसे ये पूछ के सर जीना कैसे है, काम कैसे करना, मैं 10 तरीके बताऊंगा, बट यू आस्क मी रॉन्ग क्वेश्चन देन यू डोंट बिलोंग हियर, है ना। तो यही है यार कि एवरीथिंग इज पॉसिबल करके तो देखो एक बार अपने आप, है ना, दुनिया में इधर उधर जो कुछ है ना आप मोबाइल में ढूंढ रहे हो आंसर्स, गूगल में ढूंढ रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी आंसर्स, इंस्टाग्राम रील्स पे ढूंढ रहे हो, उधर ढूंढ रहे हो, ठीक है, आंसर लाइज विद यू यार, अपने ऊपर काम करके देखो तुम, बहुत मजा आएगा तुम्हारे को, लाइफ मजेदार चीजें हैं, कल करेंगे, कल किसने देखा है यार, मैं बोलता हूँ टुडे इज एनफ, अभी भी यही बोल रहा था उसको, अप्रैल में क्या होगा, मैं अप्रैल का मुझे नहीं पता क्या होगा, मुझे अगले हफ्ते का, कल का नहीं पता क्या होगा, तो आज का पूछ ले, आज का पूरा ब्यौरा दे दूंगा क्या होने वाला है, ठीक है। आई एम नॉट ए तांत्रिक बाबा, ठीक है, कि वो होगा पंडित जी बताएंगे जी आपका ऐसे है अगले हफ्ते ये, 3 महीने बाद ये, अरे खुद को पता नहीं तेरे को कल कोई पूजा के लिए बुलाने वाला नहीं बुलाना, भविष्यवाणी आप दूसरे कर रहे हो, राइट, यू आर योर ओन डेस्टिनी यार, बना लो खुद अपना फ्यूचर जैसा चाहिए। सर आपकी कभी भिड़ी है किसी ऐसे से जो कोई बता रहा हो ग्रहण ग्रहण? हाँ नहीं, वैसे मैं कभी जाता नहीं हूँ, बट हाँ भिड़ी है, एक बड़े फेमस मंदिर में गया था, हाँ थक्का मुक्की चल रही है, लाइन है वहाँ पे, पंडित जी बार बार मेरे पीछे पड़ा हुआ है, सर यहाँ पे मत्था टेको, मैं इतनी दूर आया हूँ मत्था ही टेकने आया हूँ ना, कोई बात नहीं टेक लूँगा, नहीं सर आप इस पिलर को पकड़ लो ऐसे करके, मैं उससे क्या होगा, पिलर में सर ऐसे माथा लगाओ फिर आप कुछ मांगो, मैंने कहा यार मैं इधर महसूस करने आया था, कुछ मांगने नहीं आया, सर यहाँ पे मांगो, सर वहाँ पे मांगो, इस पोजीशन में मांगो, उसने मेरे को 15 अलग अलग जगह दिखा दी, 15 अलग पोजीशन और रिचुअल दिखा दी, यहाँ पे ऐसे मांगना है, जब मैं थक गया ना दिमाग खराब हो गया पूरा, फिर मैं सुन यार मैं कैसे मांगना है पोजीशन बता दे,
तो उसने बोला ऐसे करो, ये वाला करो और ऊपर की तरफ देखो और ये मांग लो। मैं ओके, मैं हे भगवान, मैंने कहा ये जो मोटा आदमी मेरे साथ में है जो सो कॉल्ड पंडित, कल से एक आदमी इसके पास में ना आए। कह रहे क्या कर रहे हो? मैं रुको यार, डिस्टर्ब ना करो, मैं एक आदमी इसके पास ना आए, दो पैसे का इसको काम ना मिले और ये पुजारी का टाइटल तो इसका जब्त हो जाए। अगर कुछ दो पैसे का कमा कर खाए तो सिर्फ कमा करके खाए, मेहनत करके, मांग के ना खाए। मैं मांग लिया यार। कहते कैसे आप खराब आदमी हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सुन ना, मैं मांगने क्यों मांगने हूँ, मैं जब मैं मेहनत कर सकता हूँ क्यों मांगूँ ऊपर वाले से। बिना मांगे तो इतना कुछ दे रखा है उसने, फालतू ही दे रखा है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मैं बड़ा क्लियर हूँ अपनी चीज़ों को लेके। जब से आया हूँ तो यही बीन बजाया जा रहा है, मांग लो मांग लो मांग लो। और जब मैं मांग रहा हूँ और वो भी अपने लिए किसी और के लिए मांग रहा हूँ, अच्छी चीज़ें तो उसे बर्दाश्त नहीं हो रही। कहते बड़े भैया आदमी हो मैं, आप बड़े इंप्रेसिव हो। अरे ले ले फिर, ऐसी एक और दे पंडित जी, प्रसाद लीजिए प्रसाद लीजिए प्रसाद लीजिए। मैंने कहा यार मैं कर लूँ अपने तरीके से, है ना। नहीं नहीं ले लीजिए ले लीजिए। मैंने कहा बाहर लोग बैठे हैं बहुत सारे, है ना, बहुत सारे भूखे लोग हैं, मैं खाना खिला दूंगा कई सारे लोगों को। कहते नहीं जी प्रसाद चढ़ाना बड़ा ज़रूरी है। मैंने कहा मैं चढ़ा दूंगा प्रसाद भी, आपको सलाह की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से लीजिए। मैं चलो यार ये भी एक्सप्लोर करते हैं। छोटे छोटे डब्बे 500 रुपये से शुरू होकर के आए थे। मैंने कहा 4 लाख तक के डब्बे थे, 3,87,000 टाइप। बड़ा इंसिस्ट किया, सर एक आप यहाँ से लीजिए। मैं से कहा सर ये डायरेक्ट लगेगा वहाँ पे। मैं अच्छे डायरेक्ट मैं अपने हाथ से खिला सकता हूँ उनको। कहता है वो अपने आप ही ग्रहण कर लेंगे। अच्छा ये आपको किसने बताया? कहता है लोग कहते हैं। मैं कौन से लोग बताओ ना कुछ। कहता है आप पंडित जी, मेन पंडित जी वो भी ये बताते हैं कि डायरेक्ट भगवान यहाँ से आते हैं। अच्छा देखा तूने? अरे यार ऊपर वाला सारी दुनिया को खिला रहा बिना मांगे, जानवर को पशु को इंसान को, 3 टाइम पेट वही भर रहा है ऊपर वाला है, तो बाकी वहम लेके घूम रहे हो आप। और तू कह रहा है कि मैं उनको खिला दूँ, जरूरत नहीं भगवान को, ठीक है, और दूसरे को खिलाऊंगा भगवान वैसे ही खुश हो जाएगा, ये मेरी फिलोसफी कहती है। बट यार वो पीछे पड़ गया उसने, मतलब ही वॉज लिटरली सकिंग माई ब्लड। तो मैं गया पंडित जी, वो वहाँ प्रसाद काउंटर पर जो बैठा था वो अंकल जी भी भैया मतलब ऑलमोस्ट एक्सपायरी डेट के नज़दीक ही थे, ठीक है। वो कहते हैं कि ये लीजिए आप। मैंने बोला 500 का दे दीजिए एक डब्बा। हाँ कहता नहीं नहीं आप ये वाला लीजिए, इसकी ये अलग वैल्यू है। मैं ओके, तो फिर मैंने भी लाया यार, तो ये 3,87,000 वाले 2 पैक कर दें। तो एकदम से वो भी शौक है, 2 लेंगे आप? मैं हाँ 2, एक मेरी तरफ से और एक आप अपनी तरफ से चढ़ाइए। कहता मैं क्यों चढ़ाऊँ? तो मैं मेरे माथे कहीं फद्दू लिखा मैं क्यों चढ़ाऊँ? मैंने कहा जो चीज़ आप खुद भरोसा नहीं रखते आप वो मुझे करने के लिए बोल रहे हो, मेरी ब्योंत औकात से बाहर है यार, मैं नहीं कर पाऊंगा उतना एफोर्ड। ये मेरे को भी पता है, ऊपर वाले को भी पता है, राइट। बट मुझे ये पता है कि मैं कुछ लोगों को खाना अफोर्ड कर सकता हूँ और उसमें मेरे को खुशी भी होगी, ऊपर वाला भी खुश हो जाएगा, उसमें मैं कन्वे दूँ। वो तो मुझे करने नहीं दे रहा, वो मेरे को तेरी परमिशन चाहिए भी नहीं, वो मैं करके जोड़ूंगा, ठीक है। तो कहता है ऐसे नहीं होता। मैं कोई बात नहीं यार, पर नाराज हो जाएंगे भगवान, मैं वो किसी से नाराज नहीं होता, ये द ओनली वन। ऊपर वाले को चाहे गाली दे दो वो तब भी एक्सेप्ट कर लेगा, मेरा अपना बच्चा है ये, तुम्हारे जो टुच्चू लोग ही हैं जिन्होंने ना रूल बना रखे हैं ऐसा होगा वैसा होगा। ऊपर वाले का दिल दुनिया से ज़्यादा बड़ा है यार, सब एक्सेप्ट कर लेता है, अच्छे बुरे सारे लोग एडजस्ट करता हो, मेरे जैसे को भी कर लेगा। क्योंकि सर मैं मान नहीं सकता कि अगर एक आदमी आर्म फोर्सेस में है, भगवान में विश्वास तो होता है यार, बिल्कुल होता है यार, क्यों नहीं करते। हाँ और क्या सर, मतलब कैसे सर्वाइव करे आदमी ऐसे। ये देखो कुछ तो चीज़ है ना जिसको आप देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। इंटेलेक्चुअल लोग जो होते हैं ना वो ज़्यादा तर्क वितर्क करते हैं, है ना, वाद विवाद, काउंटर क्वेश्चन, ये वो गॉड ये वो, कुछ लोग होते हैं जो बात कर देते हैं इस तरह की। चलो मान लिया नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ के अंदर ना, जब आदमी की हवा टाइट होती है ना तो आखिरी में ऊपर ही देखता है, नज़र सीधी उधर जाती है, कोई 3G 4G नहीं है, बट फिर भी पता होता है कि यार ये मैसेज तो पहुँचेगा ऊपर तक। उम्मीद भी आप पूरी रखते हो, ठीक है। नहीं तो किसी दिन लाइफ ने अगर मौका दिखाया कोई पहुँचेगा ना जो आपके करीब है काफ़ी चल के हॉस्पिटल, तब देखो हाथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं, नज़र भी ऊपर चली जाती है, अंदर से भी पूरी आवाज आती है चल एक बार नाम ना लियो यार, प्लीज़ कर ले, पैसा तो काम नहीं आएगा, बेस्ट होता डॉक्टर भी काम नहीं, डॉक्टर भी ये बताया जी हमने तो अपना काम कर दिया, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। सर बुरे वक्त में मुस्कुराहट और अच्छे वक्त में भगवान का नाम, मेरे को लगता है ये सबसे अच्छी दवा है। थोड़ा भरोसा यार देखो रखना चाहिए चीज़ों में ना, बाकी ये भगवान हर जगह तो हो नहीं सकता, ठीक है, सो इज ऑलवेज इन डिफरेंट फॉर्म, राइट। कल का एक एग्जांपल देता हूँ, मैं मैनिफेस्टेशन बोलता हूँ कि ना मैनिफेस्टेशन होता है। सम गर्ल ट्रेवल लॉन्ग वे, 2.5-3 घंटे यार ट्रेवल करके वो पहुंची मुश्किल से प्रतिभा, एंड यू टेक हर नंबर एंड कॉल हर एंड आस्क क्या हुआ कल। तो मैंने कहा इतनी दूर आप आए हो एटलीस्ट आई कैन ऑफर यू कप ऑफ टी, बट गुड़गांव कॉन्क्रीट जंगल है चाय नहीं मिल रही। मैंने हद है, एक जगह पूछा नहीं, फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, 5 जगह गए चाय नहीं मिल रही कहीं पे भी। रेस्टोरेंट गए तो बोले सर चाय नहीं है बाकी ले लो कुछ और। मैंने चाहिए तो चाय नहीं मिल रही थी।
तो मैं बोला सर अभी क्या करना है, मैंने कहा एक लास्ट जगह और ट्राई करेंगे, मैं चाहे तो पक्का मिलेगी आज, ठीक है। बोला आप लेट हो रहे हो पॉडकास्ट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आधे घंटे लेट होगा चलेगा, बट यू ट्रेवल सो फार, इट्स माई मॉरल ड्यूटी, चाहे तो मैं पक्का पिलाऊंगा। मैं एक जगह और ट्राई करते हैं, ऐसे मैंने उनको ट्राई बता दिया, मैं वो ठेला था लगा हुआ था कुछ वहाँ पर छोटा सा, दिख नहीं रहा था क्लियरली, मैंने कहा वहाँ पर मिलेगी, और अगर नहीं मिली ना देन आई एम गोइंग टू हिट फॉर द बार, मैं बियर पीऊँगा, ठीक है, लेकिन पीऊँगा जरूर अगर नहीं मिली तो। हाँ, वहाँ पे मैं पहुंचा एंड आई टोल्ड हर, मैंने कहा हैव यू नोटिस समथिंग, बोला क्या, मैं लुक एट हिज टी शर्ट, ही वाज वेयरिंग ए रेड कलर टी शर्ट और उस पर लिखा था हैनिकन बेयर, मतलब गॉड इज हियर इन दिस टी शर्ट वेयरिंग हैनिकन बेयर टी शर्ट एंड ऑफरिंग अस अ टी, दोनों चीज पूरी होगी। वाओ, तो सर ये मैनिफेस्टेशन आप मतलब कि अगर आदमी कंप्लीट फोकस से इमेजिन करे अपना फ्यूचर वो रियल हो जाता है, 100% हो जाएगा यार, सिर्फ इंटेंट एंड एफर्ट अलाइन होनी चाहिए, सिर्फ सोचते रहोगे और काम नहीं करोगे तो नहीं होगा, और सिर्फ काम करोगे सोचोगे नहीं तो भी नहीं होगा, सिर्फ काम कर रहा है बहुत जोर लगा रहा हूँ कर तो रहे, लेकिन आप जो करना चाहते हो उसको महसूस भी नहीं कर पा रहे, कुछ करना चाहते हो ना उसको इतना जज्बाती होकर महसूस करना चाहिए आदमी को, यार ये चीज चाहिए मेरे को, है ना, और फिर आप एफर्ट मार के देखो, आप देखो क्या इफेक्ट आता है गरीब का, एक बार दिल खोल के तरीके से चाहे दुख हो चाहे खुशी हो डूब जाना है पूरी तरह से ना उसके अंदर घुस करके, यार ये चीज मेरा करनी है करके देखो यार, एफर्ट आपको कितनी ज्यादा जोर लगे पता भी नहीं लगेगा, ठीक है, एफर्टलेस काम हो जाएगा आपका, मैं कहता हूँ बह जाओ बिल्कुल, है ना, और फिर जहां निकलेगा। सर एक आपने मधुशाला पढ़ी है, हरिवंश राय जी बच्चन की एक कविता है, अमेजिंग बुक, अमेजिंग, एक इंसान जिन्होंने कभी ना एक दारू की एक ड्रॉप नहीं ली कभी लिखकर की, बिल्कुल, उन्होंने इस तरह से बताया है, बहुत अच्छे से पेंट किया है उनको, डिफरेंट वर्जन है ना, बिल्कुल हाँ। ये मन्ना डे जी की आवाज में भी है, बट वन ऑफ द फेवरेट वर्जन मेरा जो है वो ये है, जो शुरू के अपना एक पैराग्राफ है वो मन्ना डे अपना हरिवंश राय जी बच्चन है उनकी आवाज, हाँ, उसके बाद में जो है ना वो पूरा मन्ना डे जी ने गाया हुआ है, अच्छा, That is my favorite version. अब देखो उन्होंने कभी लिखकर नहीं ली, बट उन्होंने बड़े अच्छे से पेंट किया उसमें, and what message he had conveyed, है ना? He had conveyed कि भैया लोग आम आदमी हैं, साल में एक बार होली मनाता है, बट एक बार दिवाली मनाता है, बट वेन यू गो टू मधुशाला, है ना, तो वहां पे हर रोज होली और हर रात दिवाली मनाता है आदमी, ठीक है, देन ये सेड कि भैया अगर मर भी जाए तो उसके बाद में ना सिर्फ जो आदमी मधुशाला है ना जो गया हुआ है और जो अंडर इफेक्ट है वही मेरी को उठाने के लिए आनी चाहिए, बिल्कुल, कि बाकी लोग है ना वो सिर्फ दिखाने के लिए रोएंगे वहां पे, वो आदमी आएगा तो दिल से रोएगा, बिल्कुल ठीक है, हाँ। और वो बंदे ना मस्ती में जाएंगे, जब जाएंगे तो दो कदम दाएं दो कदम बाएं, डगमग डगमग डगमग, दैट मोमेंटम इज आल्सो रिक्वायर्ड, राइट, देन बॉटल को देन ही हैड कंपेयर्ड, है ना, एंड सो मेनी थिंग्स ही हैड सेड, ब्यूटीफुल थिंग्स, लोग धर्म के नाम पे जाति के नाम पे ना रिलीजन कास्ट कम्युनिटी क्रीड हर जगह लड़ते हैं लोग, ठीक है, बट दैट इज वन प्लेस, वहां पे कोई नहीं पूछता किसी से मधुशाला कि भाई आप कौन सी जाति के हो, आप कौन से धर्म के हो, लोग अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से आते हैं, अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं, बट एवरीबडी से वी आर ब्रदर इन आर्म्स, ठीक है, राइट, ऑल्दो इट्स अ वाइस बुरी चीज है, बट फिर भी लोग जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ में, बिल्कुल, तो क्या वो बुरी चीज रही फिर, नहीं ये चलो ये तो कभी के हिसाब से उन्होंने एक बताया इमेजिनेशन, राइट, मतलब हाउ आई लुक एट दिस थिंग की है ना, नजर का खेल है, जैसी आपकी नजर है दुनिया आपको वैसे दिखेगी, ठीक है, आप खुद दुखी रहते हो चारों तरफ कंप्लेन कर रहे हो कुछ अच्छा लाइफ में नहीं हो रहा, बिकॉज आप बेसिक नेचर आपका वैसे ही, आप खुद रोते रहते हो 24 घंटे, आप थोड़ा खुद खुश रहोगे है ना तो नज़ारे भी अच्छे दिखेंगे, बिल्कुल, जैसी आपकी नजर है ना नज़ारे वैसे दिखेंगे आपको, आउटलुक तो खुद ही चेंज करना पड़ा, डॉक्टर इज नॉट गोइंग, वो विल जस्ट कीप चेंजिंग लेंसेज, इससे ठीक दिखता है सर, इससे बड़ा दिख रहा है, इससे साफ दिख रहा है, राइट सर आई फाइनलाइज आपकी ऐसी साइड आज से ऐसे रहेगी, बट व्हाट अबाउट आउटलुक यार, वो तो घंटा चेंज नहीं हुआ, चश्मा कोई भी बदली करते रहो, जब मैंने पढ़ी थी ना पहली बार मेरी आज भी उस पर एक एक फोल्ड हुआ हुआ है, एक एक जो वर्ड्स मेरे को पसंद है उसमें एक लाइन है, कहते हैं कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, और मैं सर 20-21 साल का रहूंगा, मैंने वो पढ़ा और मेरे को झटका लगा, एक पहली बात तो मेरे को समझ में आई कि तू किस राह पे चल रहा है ना उससे फर्क नहीं पड़ता, बट राह पकड़ एक और उस पर चलता जा, और दूसरा तू जाएगा कहां, मधुशाला, जहां क्या होता है नशा, और नशा मधु का नशा नहीं, शराब का नशा नहीं, जीवन का नशा, काम करने का नशा होना चाहिए, ठीक है, अपना जो नियम रखा है उसका नशा होना चाहिए, कि बह जा अपने अपने रास्ते पे अपने, हाँ बिल्कुल, गो विद द फ्लो एंड यू विल अराइव समवेयर, रास्ता चलती है ध्यान थोड़ा स्पीड ब्रेकर अलाइनमेंट छोड़ देती है लेफ्ट राइट, राइट, एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू बी द बेस्ट, यस राइट, बट नोबडी इज डूइंग देयर बेस्ट, प्रॉब्लम उधर है, यू जस्ट डू योर बेस्ट एंड स्टे ऑन दैट ट्रैक, राइट, ऑटोमेटिकली यू विल बी द बेस्ट, लास्ट क्वेश्चन सर, और ये मैं चाहता हूं एक बार कैमरा में देख के, नेवर लास्ट, वन मोर क्वेश्चन सर, अंटिल आई मीट यू अगेन, इज दैट फेयर, दैट इज फेयर, अगर कोई भी ये पॉडकास्ट सुन रहा है जिसकी लाइफ में किसी भी टाइप की कोई परेशानी कोई दिक्कत है कोई मुसीबत है, एक लाइन या दो लाइन जो आप उनको बोलना चाहोगे, दैट्स ऑल, सो दैट पीपल कैन लीव हियर विद लाइक द राइट एटीट्यूड, यार अगर लाइफ में प्रॉब्लम है तो ओनली थिंग है ना थोड़ा सा पॉज लो एक बारी कुछ सेकंड्स के लिए,
पूरी ईमानदारी से दिल खोल करके ना, डोंट डिस्कस इट एनीवन, ठीक है, डोंट डू टू मच क्रिटिकल एनालिसिस, बाहर निकल करके सर देखो एक बार लेफ्ट राइट जा करके, एक जानवर से लेकर के एक बुजुर्ग आदमी जो रोड के किनारे घूम रहा है, आप देखो लाइफ में हाउ ब्लेस्ड यू आर, कितने लोग हैं जिनकी दिक्कत बहुत ज्यादा है, अभी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उतनी बड़ी है जितनी आप मान के चल रहे हैं, आप सिर्फ एक वॉक लेकर के आओ जा करके अपने घर से बाहर निकल करके, है ना, गो फॉर वन आवर, आप तो देख करके आओ दुनिया लेफ्ट राइट दोनों तरफ नजर मारना ध्यान से और वापस आओगे, यू विल एक्चुअली फील दैट यू आर टू ब्लेस्ड, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है आपके सामने, ठीक है, अगर एक चीज खराब है तो 10 चीजें लाइफ में अच्छी भी दी हैं भगवान ने, फोकस ऑन दोज थिंग्स, बाकी अदरवाइज दिस टू शेल पास, बुरा टाइम नहीं रहा, अच्छा टाइम नहीं रहा तो बुरा टाइम भी नहीं रहेगा, एट द एंड ऑफ द डे भगवान से उम्मीद थोड़ी कम करना, भगवान ने अपना काम कर दिया, इज गिविन योर लाइफ, मैस आपकी लाइफ में है, यू आर गोइंग टू सॉर्ट इट आउट एंड यू कैन, यू विल, प्रोवाइडेड आप खुद में थोड़ा भरोसा रखें, खुद पर भरोसा रखोगे 100% हो जाएगा, नहीं रखोगे दुनिया भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी, नो वन कैन हेल्प यू, सो प्लीज 10 बार सोचो मन में कि मैं कर दूंगा एंड फिर थोड़ा सा जोर लगाओ, एक कदम रखो फिर दूसरा रखो, वन स्टेप एट अ टाइम, प्रॉब्लम इज सॉल्व, द बेस्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज इट कम्स विद द सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन इन 3 अल्फाबेट, इफ आई टू टेल यू द सॉल्यूशन इज YOU, यू आर द सॉल्यूशन, ओके सर, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर, आपने टाइम निकाला, आई विल सी यू वेरी सून आपकी एकेडमी में, आ जाए एनी टाइम, जिसने कभी ऐसा महसूस किया हो कि वहाँ पे रगड़ा है करके, नो यार, वी लिव कंप्लीट पैकेज, यू नो राइट, हम भजन भी करते हैं, गाना भी गाते हैं, डांस भी करते हैं, कोई किसी तरह का पैटर्न नहीं है, एक दिन डिसिप्लिन अगर फॉलो करना है पर्टिकुलर ड्रेस कोड तो वो भी करेंगे, बाकी उसके बाद में यू वांट टू डू एनीथिंग तो वहां पे तेरे को 4 पॉडकास्ट नजर आ जाएंगे, मैं बता रहा हूं, द काइंड ऑफ द स्टोरीज विल, है ना, इट विल गिव यू वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट इन योर लाइफ, लवली, गारंटी है उस चीज की, लवली, ठीक है, सेटअप तेरे को मैं दूंगा, जहां मन करे उधर बैठ जाना, ठीक है, तेरे को पहाड़ पे बैठना है, जंगल में बैठना है, नदी किनारे बैठना है, ऑप्शंस आई विल जनरेट फॉर यू, ठीक है, स्टोरीज यू विल फील मोर देन लिसनिंग एंड हियरिंग, यू विल फील द स्टोरीज, ठीक है, ओके सर, तू सारे शेड्स देखेगा अपने इमोशंस के, तो हंस के भी देखेगा, ठाका मार के जोर से भी खेल के लाएगा, तो रो के भी देखेगा, ठीक है, तो किसी को हाथ देके खड़ा भी करेगा, यू विल गो थ्रू अ गुड जर्नी ऑफ इमोशन इन 21 डेज, दैट्स माय गारंटी, वोट टू यू सर, यू आर अ लवली सेल्समैन, नहीं, आई एम जस्ट अ मैन, नॉट अ सेल्समैन, आई डोंट सेल इमोशंस इन द मार्केट, राइट, अदरवाइज आई वुड हैव क्रिएटेड ऑल दिस थिंग्स लॉन्ग टाइम बैक, राइट, राइट, थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम, द प्लेजर इज माइन.